哎呀、eh，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग अस्सलाम वालेकुम बहुत सारा रमज़ान मुबारक आप सबको आज मैं आप लोग के साथ अपनी सुबह से ले लाइक शहरी से ले कर तक की पूरी रूटीन शेयर करूँगी इन शाला आप लोगों को मज़ा आएगा आज की पूरी रूटीन देखने में और ये कोई सुबह चार बजे का वक्त था जब मैं आ गई थी अपने किचन में स्ट्रेट अवे और बस यहाँ आके मैं चेक कर रही हूँ कि दूध उबाल लूँ और गैस पर जो है ना जल्दी जल्दी रोटी और पराठे बनाने की तैयारी की जाए और आप लोग बताएं भाई आप लोग के रमज़ान किस तरह गुज़र रहे हैं बहुत अच्छे बहुत ही मज़ेदार और अभी आज थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छा मौसम है और बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं बस यहाँ पे छोटा छोटा मैंने क्लिप्स बनाए सुबह से लेकर रात तक के और आप लोगों के साथ शेयर किया है बहुत रमज़ानों में ना बिल्कुल जो टाइमिंग होती है बिल्कुल जो रूटीन होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होती है और यहाँ हमारा भी कुछ यही हाल है ना सो सुबह जो है वो बस शहरी में उठे इंसान और शहरी वहरी बना के फिर बच्चों को स्कूल भेज के फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ फिर उठ के जो है दूसरे काम डिफरेंट और बच्चे भी रमज़ानों में ना जल्दी छुट्टी हो जाती है स्कूल से तो बस जल्दी जल्दी वो भी स्कूल से आ जाते हैं तो जो है ना बस उनको ये होता है कि सुला दो फिर उठ के वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के फिर अपने डिफरेंट कामों में खेल कूद में पढ़ाईयों में और बच्चों के चल रहे हैं इन बिटवीन मेरे पेपर्स तो बस उनकी भी तैयारियाँ चल रही हैं तो बस जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ये ज़िम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और पढ़ाई में अपने खुद हिसाब से पढ़ लेते हैं तो ये मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाती है यहाँ मैं बनाने लगी थी और यहाँ मैं थोड़ा सा सबको हालात बता रही हूँ वाकत बता रही हूँ कि घर में अभी इस टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहे हैं सब सोने की तैयारी क्योंकि ये सैटरडे नाइट का ब्लॉग है ये सैटरडे नाइट की सैरी है लाइक संडे की नाइट की ना संडे की सुबह की और यहाँ मेरे जनाब छोट बड़े वाले जो है ना वो थोड़ा सा गेम इन्जॉय कर रहे थे अपना और बाकी बाबा और जो है उनके बेटे और सब लोग बाकी आराम फरमा रहे थे तो बस यही है हमारी ज़िंदगी का जो है ना आजकल रूटीन बस इसी तरह शब रोज़ गुजर रहे हैं लेकिन अलहमदिल्ला बहुत सारी रहमतें बरकतें लेकर आए सब के दस्तान वसी रखे और इस महंगाई के दौर में ना बहुत मज़े से रोजे और हर चीज़ दस्तरखानों पे मौजूद है तो परवरदिगार सब के दस्तखानों को हरा भरा रखे मेरे व्लॉग भी आप लोगों को कमी मिलते हैं क्योंकि बस यही चल रहा है कि समझ नहीं आता कि क्या बनाओ और क्या नहीं लेकिन कोशिश करती हूँ कि करती रहूँ आते रहें लेकिन फिर भी इसमें कुछ ड्रॉप हो जाता है तो बस इसी तरह चल रहे हैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ताकि मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स पूरे हों और मेरी यूट्यूब इनकम स्टार्ट हो अच्छा जी यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि भाई सुबह ही मैं सारे दिन की लाइक अपने अम्मी बाबा की और अपने बेटे की और सब की रोटी पराठे बना के रख देती हूँ क्योंकि सारा दिन हमारे यहाँ गैस नहीं होती फिर गैस आती है तकरीबन तकरीबन जाके दो ढाई बजे के बाद तो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि सब भूखे बैठे रहें तो जो इनका रोज़ा नहीं होता बच्चों का और अम्मी बाबा का तो वो जो है ना उनके लिए मैं सुबह ही रोटी पराठे सब बना बनू के रख लेती हूँ और सुकून आ जाता है बस यहाँ पर इसी तरह पराठों की तैयारी है हमारे घर में ना अवतार जब बन जाती है तो खाना जो है वो नहीं बनता है बहुत कम बनता है बस इतना सा सालन बना लेती हूँ कि वो अम्मी बाबा के काम आ जाए और जो है हम लोग अगर सैरी में कोई खाना चाहे तो वो खा ले बस यहाँ मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं और ये जो बॉटल आप देखते हैं ना ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट बॉटल है इससे इतना मज़े का ऑयल गिरता है एक्चुअली ये सॉस बॉटल है और ये जो सॉस बॉटल है ना इससे बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप करके ऑयल गिरता है तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ ऑयल भी नहीं होती है और बहुत मज़े से जो है यहाँ पराठे पक जाते हैं बस यहाँ पर आप बताइए भाई आप लोग की सैरी में और आप लोगों का क्या तौर तो तरीका चल रहा है रमज़ानों में और रमज़ान तो बहुत सारी बरकतें लेकर आता है इधर मेरे बड़े जनाब ने बोला कि अम्मा चले हम भी आपकी हेल्प कराते हैं आपके साथ बनवाते हैं लस्सी वैसे तो मैं बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ दस बजे के बाद साढ़े दस बजे से बोलना शुरू करती हूँ बेटा लेटो लेटो तो ग्यारह बजे तक बच्चे सो जाते हैं क्योंकि सैरी में भी उठना होता है और फिर स्कूल भी जाना होता है तो वो मेरे साथ बनाने लगे थे लस्सी के नहीं अम्मां आज तो हम सैरी तक जागेंगे वो मेरे साथ जाग रहे थे और बस यहाँ पर मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ और वहाँ लस्सी बन रही है यहाँ पे एग फ्राई होंगे और बस हमारी सैरी हो जाएगी डन डना डन डन तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ये चीज़ बड़ी हेल्पिंग हो जाती है बच्चे बड़े मज़े से जो है ना आपका हाथ बटाते हैं आपके किसी भी काम में तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है बशर्ते के बच्चे जो है ना आपके साथ इतना इन्वॉल्व रहें दोपहर तो तक के कबाब भी फ्राई करके रख लूँगी मैं आ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैस नहीं होती है और साथ बस अंडे फ्राई कर रही हूँ कि ये कर लूँगी कि जिसने एग लेना है वो एग ले ले और जिसने कबाब खाने वो कबाब खा ले तो बस ये होता है कि एक्चुअली ना मुझे खुद भी ये अच्छा नहीं लगता है कि बस खाली खाली अंडे खाए जाए तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई सालन हो कुछ भी हो थोड़ा बहुत हो तो अंडे के साथ एग भी ज़रूर खाती हूँ मैं तो उसके साथ वो भी खाया जाए तो बस एक काम जरूर किया कीजिए आप लोग ना अपने बच्चों को सैरी में जरूर 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 लस्सी दिया कीजिए दही दिया कीजिए दही का इंटेक ज़्यादा कर दिया कीजिए क्योंकि क्या होता है इससे प्यास कम लगती है क्योंकि स्कूल ऑन है बच्चों के और पढ़ाइयाँ साथ साथ चल रही हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम छुट्टियाँ करवा दें और कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या है रोज़ा तो होता ही भूखा और प्यासा रहने का नाम तो आप क्या प्यास ना लगने के टिप बता रही हैं तो ये होता है कि देखें बेशक भूखा और प्यासा रहने का नाम रोज़ा है लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ढूंढते हैं ना थोड़ी बहुत कि अल्लाह मिया ने ये चीज़ हम पे फ़र्स्ट किया लेकिन छोटे छोटे बच्चे अगर हम वो रोज़ा रख रहे हैं तो वो कितनी बड़ी बात है कि उन्हें डीमोटिवेट करने से बेहतर है कि उनको रोजे के लिए इतनी आसानी कर दें कि उन्हें प्यास ना लगे और एक और बहुत प्यारी टिप है जो बच्चे मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं वो जरूर इसको आजमाइएगा जिनको ऐसा फील हो कि भाई रोजे के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि जब पांच बज जाते हैं पांग तो प्यास जो है ना वो महसूस होने लग जाती है और बच्चों को तो ख़ासतौर पे क्योंकि बच्चे जो है ना हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं खेल रहे कूद रहे फिर रहे होते हैं चल रहे फिर रहे होते हैं तो जो है ना उनको ज़्यादा ये फील होता है तो आप एक काम करें इन्ना आता कल कौसर जो है ना सूरत सुरय कौसर अपने जो है ना पढ़ के अपने गले पे या आपने सीने पे दम कर लिया करें तीन बार तो उससे भी आपको प्यास की शिद्दत इतनी महसूस नहीं होगी और अलामिया लगेगा आपको पानी से सैराब कर रहा है हौजे कोसर के तो बहुत इससे आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप जो छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे व्लॉगर्स वो सॉरी बच्चे जो मेरा देख रहे हैं व्लॉग तो इस बात को ज़रूर अपनाएं और बोलेंगे भाई वाह किरण आंटी ने अच्छा मशवरा दिया हमें बस ये कोई किस्सा था दोपहर का और हम निकल गए अपने विंडो शॉपिंग के लिए एक्चुअली मुझे किचन के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए थी कुछ चीज़ें इन सेंस के बाउल जैसे फ्रूट चाट काटने के लिए एक मेरा टूट गया था वो चाहिए था एक दो चीज़ें और चाहिए थी वो लेने के लिए हम यहाँ निकले और यहाँ हम आ गए लकी वन के वन डॉलर शॉप में और वन डॉलर शॉप में तो यकीन जाने इतनी तबाही मची हुई है कुछ भी नहीं है वन डॉलर जैसा तो वन डॉलर टू फोर्टी का हो गया और मुझे याद है अच्छे से जब मैंने वन सिक्सटी का वन डॉलर था ना तो बहुत सारी चीज़ें ली थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत सारी चीज़ें मुझे वन डॉलर में मिल गई थी जब वन सिक्सटी का वन डॉलर था अब टू फोर्टी का भी होकर इतनी लो क्वालिटी चीज़ें रखी हैं कि वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम में बस मैंने एक सरसरी सी नज़र मारी और सोचा ये क्लिप आप लोगों के साथ भी बना दूँ कि कुछ भी काम की चीज़ नहीं आई भी वन डॉलर शॉप में तो भाई जो जाने का इरादा रखते हैं वो कत ना जाए प्लास्टिक का वो आ, आलम है कि वो जो संडे बाज़ार से भी गई गुजरी प्लास्टिक है और बॉटल्स का तो आप सिचुएशन देख चुके हैं कि वो इतनी इतनी सी छटाक भर की जो है ना ऑयल डिस्पेंसर बॉटल्स जो हैं वो आपको 240 की मिल रही हैं तो गेट रेड ऑफ इट इसको छोड़ें और जो है वैसे आजकल संडे बाज़ार वगैरह का भी बहुत हाल बुरा है मतलब कहाँ का हाल अच्छा है ये नहीं समझ आता कहीं का भी हाल अच्छा नहीं है हर जगह का हाल बुरा है तो इन्होंने बोला कि भाई हम पैसे हाई कर दें अच्छा मैं एक बात कहती हूँ आप भी बताइएगा ये बात सही है कि नहीं है कि भाई कम से कम चलो पैसे बढ़ा दिए मैं मानती हूँ कि चलो महंगाई हो गई पैसे बढ़ा दिए लेकिन क्वालिटी तो वही मेनटेन करे ना इंसान अगर पैसे बढ़ा दिए तो एटलीस्ट जो वो जो सामान है वो हमें उसी क्वालिटी का उसी हिसाब का मिले ना नहीं क्वालिटी बिल्कुल लो से लो और पैसे हाई से हाई तो ये कहाँ का इंसाफ है अब बल्कि आपको दिख रहा होगा टू फोर्टी बोल रही थी मैं टू फिफ्टी का वन डॉलर है तो आप यहाँ जगह जगह आप देख रहे होंगे फुट ट्रेस पर लिखे में वन डॉलर के प्राइस तो आप कम से कम क्वालिटी मेंटेन तो रखें ना यार अपना क्वालिटी बिल्कुल लो दो दो रुपए की चीज़ें वो टू फोटी टू फिफ्टी में वन डॉलर का नाम लेके ये बेची जा रही हैं बस यहाँ से फिर मैंने सोचा कि चलो कार कारफोर की राह लूँ और कार कारफोर जो है ना बहुत ज़बरदस्त है ये लकी वन मॉल के अंदर ही ग्रॉसरी पूरा हॉल है इसके अंदर शॉपिंग मॉल है और जो है वहाँ पे मुझे इजाज़त नहीं थी कि के मैं कैमरे से कुछ भी बना पाऊँ जो छोटी मोटी चीज़ें ली वो मैंने बाद में शूट की अच्छा जी यहाँ पर फिर हम आ जाएंगे अफतार का टाइम होने लगा था और यहाँ पे अफतारी के लिए बन गए हैं फ्रूट चाट और फ्रूट जो है वो कोई बोले कि भाई यहाँ पे तो बाइकआउट चल रहा है फ्रूट का तो ये जो है ना पहले के फ्रूट आए हुए थे तो हमने ले लिए थे और जो है ना वो हमने काट के रख ली है साथ ही जो है मैंने यहाँ पे कट कर ली है अपनी पकोड़ों की तमाम प्याज और तमाम रेसिड्यू वगैरह जितना कुछ भी उसमें डलेगा ये सब काम मैं करती हूँ पाँच बजे किचन में जाती हूँ और फिर मैं तमाम कटिंग का काम अपना कंप्लीट कर लेती हूँ जूस बनाने का एवरी फिर फ्राइंग का काम जो है ना वो दस से पंद्रह से बीस मिनट पहले करती हूँ ताकि गर्म गर्म मैं तमाम चीज़ें सर्व कर सकूँ बस यहाँ पर इनके भी मज़े चल रहे हैं थोड़ा सा इनको भी जूस बना के दे दिया कि ये सुकून से बैठे रहें अब यहाँ पर हो रही थी मेरे मियाँ की फरमाइश आई थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये सैटरडे की ही है और ना कि आप बनाए भाई आज क्या भला दही बड़े और वो जो होते हैं ना होम मेड बड़ों से बनाइएगा और बहुत से लोगों के यहाँ होम मेड भी बनते हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम जो है ना वो फुल्कियाँ जो होती हैं ना बाहर से जो मिलती है बूंदियाँ उनके भी दही बड़े बना लेते हैं तो यूँ हमारे मियाँ ने बोला कि भाई हमें तो चाहिए अपने अम्मा के स्टाइल के दही बड़े तो आप जो है ना वो होम मेड बनाएं तो फिर मज़ा आएगा वो बाहर के जो है ना वो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद तो ये हमने तैयारी की फटाफट के चले वही दही बड़े की जल्दी जल्दी तैयारी बस वही बूंदियाँ डाली हैं बूंदियाँ नहीं पकोड़े छोटे चोट छोटे बना के मैंने डाल दिए थे यहाँ पे मैं दही को करने लगी हूँ मिक्स और बहुत अच्छे से फेंटने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी पीसी हुई मिर्च डाल दूंगी लहसन डाल दूंगी और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लूंगी और पानी डाल दूंगी फिर जब मैंने देखा ना कि यार ये मुझे बाउल छोटा लग रहा है तो मैंने अपने बाउल को कर लिया ट्रांसफर बड़े बाउल में क्योंकि मैं इतना ही बना रही थी कि जो एक ही दिन में यूज़ हो जाए ये ना हो कि भाई तीन तीन दिन पढ़ा रहे तो थोड़ा सा बनाएं और कोशिश करें इस रमज़ान के वेस्टेज कम हो और जितनी कम वेस्टेज होना उतना ज़्यादा अच्छा है और बस यहाँ पे बूंदियाँ बना बना के मैं पानी में डाल दूँगी और आफ्टर पानी में डालने के बाद इसे अपने दही में डाल के अच्छे से लगा दूँगी भगार ज़ीरे और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा था तो मैंने उसी का भगाड़ लगा दिया वही हमारी अलहमदिल्ला अफ्तारी रेडी है और शुक्र अलहमद शुक्र अलहमदिल्ला अपना ख्याल रखिए और आसानियाँ बाँटिए दूसरों की ज़िंदगी में अपनी भी ज़िंदगी हमेशा आसान हो जाएगी खुश रहिए प्यार बाटिए जी हैं सलामत रहें अपना ख्याल रखिएगा थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़